गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन सेटलमेंट्स. बिफोर दिस वी हैव डिस्कस द चैप्टर 7. आफ्टर चैप्टर 7, 8 एंड 9. चैप्टर 8 एंड 9. चैप्टर 8 एंड 9. नेम ऑफ द चैप्टर 8 इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड चैप्टर नंबर 9 दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. These chapters deleted by CBSE, so we will not do these chapters. So we will start now this chapter, chapter number 10, and the name of this chapter is Human Settlement. Human Settlement means the people where they are living, that is called the settlement. जहाँ पे लोग रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, Human Settlement बोलते हैं. तो this is the last chapter of this book that we will discuss. और इस book का नाम आपको पता है, Fundamentals of Human Geography है. So now we will start the next this. What is human settlement? First is given introduction. Introduction, what is given in introduction we will see. First they have given the definition of the human settlement. What do you mean by human settlement? Human settlement is a place where humans live permanently or temporarily. It means the people, if they are living permanently, for example, we are living permanent. So that is the place, human settlement. जहाँ पे human being permanently रहता है या temporary. Temporary का मतलब होता है, you have seen some peoples, they are living for the one month, 2 month and then they go in another area. जैसे आपके ये घूमते रहते हैं लोग, ये भी क्या होते हैं, human settlement का part है. Form of settlement in any region reflect human relationship with the environment. Now what is said in this? Settlement in any region, it means the people, those who are living in that particular area. Why they are living in that area? Because they have cope up with the environment. यानी वो उस एरिया में रहने की या उस एरिया में सेटलमेंट किस तरीके की है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो ह्यूमन रिलेशनशिप का, इन्वायरमेंट के साथ में जो रिलेशन है वो उस पे डिपेंड करती है कि ह्यूमन बींग जो है आपका वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ में कैसे कोप अप कर रहा है. तो यू हैव सीन वी आर लिविंग इन द एरिया, हमारे यहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं. वी विल गो इन द साउथ पार्ट ऑफ अवर कंट्री, जो आपके माउंटेन एरिया है वहाँ पे आपको अलग होगा. क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप जो इन्वायरमेंट के साथ में वो डिफरेंट हो गया वहाँ पे. दैट्स वाई दे आर लिविंग इन द डिफरेंट वे. नेक्स्ट इज गिवन, सम सेटलमेंट्स आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड्स. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सम पीपल्स दे आर लिविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दैट दे लीव दैट एरिया एंड दे आर गोइंग ऑन अनदर एरिया. जैसे ये घूमते रहते हैं लोग, आप देखा होगा पशुओं को लेकर. सो दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्प्रेरी एंड फॉर द शॉर्ट टाइम. नेक्स्ट इज गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट मीन्स हाउ द पीपल इन विच एरिया दे आर लिविंग. आर दे लिविंग इन रूरल एरिया और दे आर लिविंग इन द अर्बन एरिया. दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. इट मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, वन इज रूरल एंड सेकेंड इज अर्बन. क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, रूरल एंड अर्बन. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. सेटलमेंट्स आर डिफरेंशिएटेड इन टू रूरल एंड अर्बन. नो वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन विलेज एंड टाउन. देर इज़ नो क्राइटेरिया. अगर हम स्पेसिफाई देखें तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे हम कहें कि ये विलेज है और ये टाउन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विल डिस्कस दैट कि हमारे यहाँ पे विलेज है, वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, तो इसको हम विलेज मान लेते हैं. एंड द पीपल दोज आर लिविंग इन द अदर एरियाज जो है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, उसको हम टाउन या सिटी मान लेते हैं. बट इफ़ यू विल कंपेयर विद द वर्ल्ड, अगर हम ये वर्ल्ड की बुक पढ़ रहे हैं ना, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड. तो अगर हम USA के अंदर जाते हैं या जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो फैसिलिटी हमारे यहाँ पे सिटी में, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेजेज ऑल्सो. सेम फैसिलिटीज मोर देन आवर सिटीज ऑल्सो, सम विलेजेज इन सम कंट्रीज. सो हाउ कैन वी क्लासीफाई देम? अगर हम इस तरीके से देखें तो हम क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड की बुक पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडिया. तो इसमें हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट किस बेस पे देखना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ अ वर्ल्ड. तो वर्ल्ड के अंदर इफ यू विल कंपेयर दिस थिंग, सो देर इज अ डिफरेंस. डिफरेंस किस चीज़ का है कि रूरल और अर्बन एरिया के अंदर अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग करते हैं तो वी अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी वी कैन कॉल इट. बट अब वी विल कंपेयर विद द वर्ल्ड, सो दिस इज नॉट राइट. ये राइट नहीं है फैसिलिटी के बेस पे हम कर सकें. देन नेक्स्ट इज गिवन पॉपुलेशन साइज, इंपॉर्टेंट बट नॉट यूनिवर्सल. पॉपुलेशन साइज के बेस पे अगर इफ यू विल से दैट दिस इज रूरल एरिया, दिस इज अर्बन एरिया, दैट इज नॉट ऑल्सो यू नॉट यूनिवर्सल. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर सिटी वी विल सी कि हमारे यहाँ पे सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है विलेजेस के अंदर. बट इफ़ यू विल गो इन अदर कंट्रीज, वहाँ तो पॉपुलेशन आपको इतनी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना सिटी में मिलेगी ना विलेज में मिलेगी. सो वी कैन नॉट कॉल इट यूनिवर्सल. ये सही नहीं है. प्लेस ऑफ रेजिडेंस वॉज यूज टू डिफ्रेंशिएट बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सल नाउ. प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब जो लोग रहते हैं उसके रहने के लाइफ स्टाइल के बेस पे भी हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे ये विलेज है ये सिटी है. बट इफ़ यू विल कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्रीज, तो वहाँ पे आपको क्या है,
जो रेजिडेंस है लोगों का वो शहरों के अंदर काम करते हैं, बट दे आर लिविंग इन द विलेजेस, काम तो वो शहरों में करते हैं पर रहते कहाँ हैं वो गाँव के अंदर, तो ये भी एक यूनिवर्सल नहीं है। नाउ वट विल बी द कॉमन, एक कॉमन सा डिफरेंस बताया गया है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ एनीबडी विल आस्क यू अबाउट द रूरल सेटलमेंट एंड विलेज टाउन सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, तो आप इसको एग्जाम्पल लेकर कह सकते हो। टाउन्स पीपल एंगेज इन सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज, मीन्स द पीपल दोज आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, सो दैट वी आर कॉलिंग रूरल अर्बन सेटलमेंट। यानी जहाँ पे लोग सेकेंडरी और टर्शियरी में या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या लोग ज़्यादा इन्वॉल्व उसमें होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। और विलेज कौन सा हो गया या रूरल सेटलमेंट कौन सी होगी, जहाँ पे लोग किस में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, इट मीन्स दे आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, रिमेंबर दिस थिंग, कि ये याद रखना है कि आपको डिफरेंस अगर पूछा जाए कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है कि पीपल एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी दैट इज़ अर्बन सेटलमेंट, एंड पीपल एंगेज इन प्राइमरी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ दैट इज़ कॉल्ड अर्बन रूरल सेटलमेंट्स। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस यही इसके अंदर मिला आपको, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज़ मोर मीनिंगफुल बट नॉट यूनिफॉर्मिटी। फंक्शन के बेस पे, काम करने के बेस पे भी हम उनको डिफरेंस कर सकते हैं, पर वो भी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट नहीं करता। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि जो शहरों में, दूसरे डेवलप्ड कंट्री में लोग काम तो शहरों में करते हैं बट रहते वो गांव के अंदर हैं, तो फंक्शंस जो है उसके बेस पे भी हम क्या है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ज़्यादा। फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द विलेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रेयर इन विलेजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। अब अगर हम विलेज और सिटी की फैसिलिटीज़ के बेस पे करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दैट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। Why? Because if we will compare on the basis of facilities, so the developed countries have the villages, they have more facilities in comparison of developing villages, developing countries village. यानी जहाँ पर developed countries हैं उनके अंदर जो villages है उनमें इतनी facility मिलेगी जितनी आपको developing countries के villages में नहीं मिलेगी, तो वो आपका क्या होगा, एक सही तरीके से आपका classification नहीं हो पाता है। अब एक points आपकी book के अंदर दिया हुआ है, next is given suburbanization. सब अर्बेनाइजेशन मीन्स वट हैपन, सब अर्बेनाइजेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सिटी, ये एक सिटी है, तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये कंजेस्टेड एरिया हो गया सारा का सारा, दिस इज़ द कंजेस्टेड एरिया कम्प्लीट। सो फैसिलिटीज़ वी ऑल्सो नॉट गेटिंग प्रॉपरली बाई द पीपल ऑफ दैट एरिया, सो वट पीपल आर डूइंग, दे आर स्टार्टेड लिविंग इन द आउटसाइड ऑफ द सिटीज इन दिस एरियाज, they started because in these areas they have the better facilities, road facilities and some other cleanliness also in these areas, so the area which is developed this it is called suburban area, it means from the urban area area which is developed outside the urban area that is called suburban area। yani jab ek congested area mein se log bahar uske paas hi ek area ke andar rehne lag jate hain usko kya bola gaya, suburban area। so this thing we have discussed today, you will read from your book and prepare notes। Thank you, have a nice day.